जिला बिलासपुर में एक दिवसीय दौरे पर आए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने जिला बिलासपुर के लोगों को करोड़ों की सौगातों के शिलान्यास करके जनता की उम्मीदों को बढ़ाया है। ये शिलान्यास सदर व कुमारवी विधानसभा क्षेत्र में किए गए हैं। सदर विधानसभा क्षेत्र में सड़क का सुधारीकरण जो कोठी चौक से लेकर तरेड़ तक हुआ है, उस शिलान्यास पट्टिका में ही मंत्री राजेंद्र गर्ग का नाम गायब है, जिसका कुमारवी भाजपा के कुछ लोगों पर कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर पोस्टें डालकर खूब खिलियां उड़ाई जा रही हैं। लोगों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए कहा कि मंत्री कुमारवी विधानसभा क्षेत्र का ही नहीं है परंतु पूरे हिमाचल प्रदेश का है, जिससे मंत्री का नाम पट्टिका में भी होना चाहिए था। अनुराग ठाकुर के पूरे कार्यक्रम में मंत्री राजेंद्र गर्ग का साथ होने के बाद भी शिलान्यास पट्टिका से नाम ना होना हर किसी को अकर कर रहा है कि ऐसा अपने ही गृह क्षेत्र में क्यों हुआ है। बेशक मंत्री राजेंद्र गर्ग भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खासम खास हैं और राजनीति में विधानसभा चुनावों से धूमल परिवार से कैसे संबंध थे वे जग जाहिर ही है, पर वर्तमान में परिस्थितियों को देखकर पट्टिका से नाम गायब होना राजनीतिक गलियारों में चर्चा को हवा दे गया है। जिला बिलासपुर का घुमारवी वो राजनीति केंद्र बिंदु बन रहा है और वर्तमान में मंत्री के साथ अपने जिला गृह क्षेत्र में ऐसा होना अपमान है या मंत्री बनकर जिला का सम्मान है, जिसकी लोगों में तरह तरह की चर्चा है। लोक निर्माण विभाग के एक्शन बीएन प्राशर ने कहा कि हमारे पास जो कार्यक्रम आया हुआ था उसमें मंत्री राजेंद्र गर्ग का नाम शामिल नहीं था, जिस कारण ये हुआ है। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जिला के मंत्री हैं उनका यहाँ आने का कोई कार्यक्रम हमें कन्वे नहीं हुआ था, इसीलिए उनका नाम नहीं लिखा गया था। और जो प्लेट पे जो मेडल लिखा हुआ है हमने अनुराग ठाकुर जी के ऑफिस से भी अप्रूव कराया हुआ है। वो तो मंत्री जी अचानक कहीं आ गए हैं सुबह, अदरवाइज ऐसे कोई छपा प्रोग्राम नहीं आया था, इसलिए उनका नाम लिखा गया था। और वैसे भी जो पीएमजीएसवाई का प्रोग्राम है कंसर्न एमएलए प्लस एमपी सबके थ्रू होता है, अदरवाइज ये अभी कोई कन्वे किया होगा ना, अदरवाइज वैसे होता है।